ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशु आरोग्य मेले के दौरान प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ने का किया ऐलान, ब्रजभूमि का किया गुणगान। ₹50,000 की खातिर विवाहिता को ससुरालियों ने उतारा मौत के घाट, चंद घंटों में लाश फूंक कर ससुराली जन फरार। कोटा बैराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद उफान पर आई चंबल नदी, बाहपिनाहट में चंबल नदी के तटवर्ती इलाकों में भरा पानी, प्रशासन अलर्ट। और 10 लक्षण पर्व के आखिरी दिन जिनालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का किया जा रहा है पालन। थाना सिकंदरा के लोकरेरा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, बहू का शव ठिकाने लगा, ससुराली जन फरार हो गई हैं, मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। थाना सिकंदरा क्षेत्र लोकरेरा रुनकता की विवाहिता पूजा की हत्या का मामला सामने आया है। पूजा की शादी 10 नवंबर 2016 को बंसीलाल नामक युवक से की गई थी। बंसीलाल जूते का कारोबार करता है। पूजा की एक 1.25 साल की पुत्री बन्या भी है। पूजा की शादी के बाद से ही ससुराली जनों द्वारा पूजा के परिवारी जनों से 50,000 की मांग की जा रही थी। परिवार का आरोप है कि ससुराली जनों की मांग ना पूरी होने पर आज सुबह उनकी बेटी की ससुराली जनों ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ससुराली जनों ने शव को जलाकर सबूतों को भी मिटा दिया। घटना ये हुई है, 50,000 रुपए मांगते थे, जब मैं बुलाती थी लड़की तो राख लेती, फिर जाती थी फिर मार कूट करते थे। अब कहते 50,000 रुपए ला, नहीं तो हम तेरे नन्हे जान दे मार देंगे। उसका जेठ का जेठ है, बहू जेठ का नाम का खन्ना से खन्ना, और नज़र गलत रखता था उसकी लड़की के ऊपर। मैं एक बार मेरी लड़की के भी गलत नज़र मारी, लेकिन वो तो सुना देती है, पर वो सीधी साधी थी, मारे थे। और पति उसका संग में मिला हुआ है। तो अब क्या हुआ आज मेरे भाई पर फोन आया था कि उसकी उसकी फांसी लगा ली है। हम वहाँ पे पहुँचे तो उसकी लाश भी चला थी। रुन के तेरे लोग करे ले मैं 2-8 दिन यहाँ पे रहती थी, 2 महीना घर पर सब पी। हाँ बोलो, मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी साले की लड़की है जी। तो इनके पास फ़ोन आया था वहाँ से, इन्होंने किया हमारे पास फ़ोन कि वो जिया जी लड़की जो कह रही है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो इन्होंने अभी लड़के दो लड़के भेजे वहाँ पर, तो लड़के भेजे तो वहाँ कोई नहीं मिला था। फिर पूरा गांव से पूछी कहाँ गए पता नहीं, पूरी बस्ती ने मना कर दिया। फिर लोग घर आए, घर से सब लोगों को लेके गए, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अपने पूरे परिवार को लेके वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ किसी से गांव बस्ती वाले रास्ते किसी किसी पता पड़ी कि मैं ऐसे से बात हो गई यहाँ पे, कि वो तो चला आती वहाँ पर जाके। वहाँ देखा शमशान घाट है, वो जली हुई पाई। उसके बाद में हाँ, ये लोग काफ़ी लोग तंग कर रहे थे लड़की को दहेज के लिए। शादी हुई थी 10 तारीख 11 महीने 2016 में जी। लड़की को कोई बच्चे बच्चे भी? एक लड़की है, 1.5 साल की करीब है लड़की। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम बन्या। अच्छा, मामले पे मतलब मौके पे पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच-वांच करी, उन्होंने कैरी देने के लिए कहा था। तो आप लोग अभी सिकंदरा थाने आए? जी जी सर। मिले इंस्पेक्टर से? अभी जाके मिलेंगे। अभी वो लड़की देखी, वहाँ की लड़की अकेली थी घर में, ना कोई गाँव आया ना कोई परिवार उसका, एक सवा साल की लड़की घर में अकेली पाई थी वो। अभी मौके पर जाकर देखा तो लाश बिल्कुल जली हुई पाई है वहाँ पर। परिवार जनों का कहना है कि आज सुबह 10:30 बजे पूजा ने अपने मामा के यहाँ फोन किया था।
और अपने छोटे भाई को भेजने के लिए कहा था। मामा ने इस फोन की सूचना लड़की की माँ को दी और उसके छोटे भाई को पूजा के ससुराल लोकरेरा रुनकता भेजा, जहां भाई के पहुंचने पर हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया। ऐसा था, अभी हम सुबह अपने घर पे बैठे थे, किस्त भर के आया तो उनकी माँ वगैरह रो रही थी लड़की की, तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कि ऐसे ऐसे कोई घटना हो गई यहाँ पे, मैंने एक बार फ़ोन करे पता कर लो, तो उन्होंने कॉल करे पता किया तो बात सत्य हो गई है। तो यहाँ से चार छः दो चार लोग गए थे, फिर वहाँ पे जाके छानबीन की तो सा बॉडी फोडी वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग यहाँ से गए, करीबन 20-25 आदमी और करीबन 15-16 महिला गई थी, तो वहाँ पर जाने के दौरान देखा तो वहाँ कोई नहीं, पड़ोस में ही पूछताछ की क्या विवाद हुआ क्या विवाद नहीं हुआ, तो कोई पड़ोसी भी बोलने के इच्छुक नहीं, कुछ थे तो उन्होंने अपने घर का गेट लगा लिया। हमने पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन किया तो कोबड़ा वाले भी आए थे, पुलिस वाले भी आए थे और वहाँ पर SSP भी आए थे, उन्होंने कमरे की छानबीन की, कमरे से फिर उन्होंने कहा चलो बॉडी के पास चलते हैं, तो शमशान घाट गए बॉडी के पास छानबीन थोड़ी कर करके, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला तहरीफ जा करके आप थाने में, सिकंदर थाने में। हाँ काफ़ी बताते थे कि कल परसों ले गए थे लड़की को, 50,000 रुपये बोल गए थे वो कि 50,000 रुपये दे दें हमको, तो थोड़ा उत्कान धंधा या फिर कुछ भी कर लेंगे हम अपना, तो इन्होंने बोल दिया चलो ले जाओ कुछ समय दे दो हमें, तो समय देना था, तो दो दिन की उन्हें बात की, उसका नाम पूजा सर, पतिदेव जूते का काम करते हैं। हाँ शादी इनकी 2016 में हुई थी 10 तारीख को, एक बेटी है उनके पास, बेटी करीबन 1.25 साल की होगी। ये तो अब देखो अब क्या माई के पक्ष में है वो लड़की जो है छोटी वाली जो है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में लड़की लेकर आए हैं वो उसकी पूजा की ससुराल से ही लेकर आए हैं लड़की को। परिवारजन यही चाह रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए, और ये काफी अच्छी बात होगी इनको इंसाफ मिल जाएगा। तो पूजा की हत्या करने के बाद ससुराल जन लाश को जलाकर फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है, जल्दी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार जनों का आरोप है कि पूजा की हत्या 50,000 रुपए न देने के कारण की गई है। परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। कोटा बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में एक बार फिर उफान आ गया है। रौद्र रूप में आई चंबल ने आगरा के बहा पिनाहट में खलबली मचा दी है। चंबल में उफान, तीसरी बार उफान पर चंबल। खतरे के निशान के नजदीक चंबल। चंबल ने मचा दी खलबली। राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया है। कोटा बैराज से पानी आने के बाद चंबल नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। चंबल नदी अपनी सीमाओं को नापती हुई तटवर्ती इलाकों की तरफ बढ़ चली है। आगरा के भापनाट कस्बे में चंबल का रौद्रूप देखने को मिल रहा है। कई तटवर्ती इलाकों की तरफ चंबल पहुंचना शुरू हो गई है। चंबल को बढ़ता देख लोगों में दहशत देखी जा सकती है। लोग भयभीत नजर आ रहे हैं क्योंकि चंबल कभी भी रिहायशी इलाकों तक दस्तक दे सकती है। माना जा रहा है कि अभी चंबल का पानी और बढ़ेगा। कोटा बैराज से 9 तारीख को 4:30 बजे लगभग 3,51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका असर आज धौलपुर पर पहुँच रहा है। धौलपुर का आज का जो गेज है 135 मीटर है, और जिसके सापेक्ष चंबल का पिनहट पे 126 मीटर लगभग है, और इसके लिए शासन द्वारा उसके लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह चौकियाँ बनाई गई हैं। सिंचाई विभाग और प्रशासन मिलकर इस पर जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, जैसी आवश्यकता होगी उस अनुसार पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। हाँ उनको जो है सूचित किया जा चुका है, और बाढ़ चौके स्थापित हैं, उनको अवस्था स्थापित कर दिया जाएगा। राजस्थान के कोटा बैराज से 3,50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल नदी पूरी तरीके से रौद्र रूप में आ चुकी है। इसके बाद आगरा के तमाम इलाकों में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चंबल नदी का रौद्र रूप देखकर प्रशासन के अलावा इलाके के लोग भी भयभीत नजर आ रहे हैं। इस बार चंबल तीसरी बार रौद्र रूप में आई है। जब भी चंबल रौद्र रूप में आई तमाम किसानों की फसलों को चौपट करके चली गई। इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के लोग भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं।
अधिकारी लगातार चम्बल नदी पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। सभी को हिदायत दे दी गई है कि चम्बल की तरफ न जाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। चम्बल नदी में पानी अभी बढ़ रहा है और वहां से पानी छोड़ा गया, उसके कारण भी बढ़ रहा है और ये संभावना है कि अभी पानी बढ़ेगा ही कुछ से, और पानी के बढ़ते हुए जलस्तर को देख करके बाढ़ चौकियाँ सक्रिय कर दी हैं और सारे कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया और गांव में सूचना कराई जा रही है कि लोग नीचे पर अपना शिफ्ट करें। गोहरा गांव में वहां पर नज़र रखी जा रही है, बाढ़ चौकी सक्रिय है। वहां पर जैसे ही पानी बढ़ जाएगा वहां पर स्टीमर लगा करके आवागमन चालू कर, लेकिन अभी वहाँ पानी स्टीमर लगाए नहीं बन रहा। अभी चम्बल में कितना जलस्तर है? अभी इस समय 125.50 है इस समय जलस्तर। और कितनी संभावना हो रही है? सिंचाई विभाग से जो वार्ता हुआ उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि पानी का जलस्तर और बढ़ेगा। जिस तरीके से चम्बल नदी तीसरी बार रौद्र रूप में आई उससे किसान बेहद परेशान है। मवेशियों को दूसरे स्थानों पर पहुँचाना शुरू कर दिया गया है। फसलें पूरी तरीके से पूर्व में ही चौपट हो चुकी है। बची कुची फसलें अब पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच रही है। कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया है जिसके चलते धौलपुर में चम्बल नदी उफान पर है। धौलपुर के बाद आगरा में भी चम्बल नदी उफान पर आ गई है जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। तटवर्ती इलाकों के पास बने खेतों में पानी भर चुका है जिसके चलते फसलें चौपट हो गई हैं। ये तीसरा मौका है जब चम्बल नदी उफान पर आई हो। चम्बल नदी में उफान आने से तटवर्ती इलाकों में रहने वालों में खलबली मची हुई है। सभी को अलर्ट कर दिया गया है, बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ सिंचाई विभाग भी चम्बल नदी पर पूरी नज़र रखे हुए है। हर उस बात पर एहतियात बरती जा रही है जिससे जनमानस को नुकसान हो सकता है। हर तरफ चौकसी दिखाई दे रही है जिससे किसी अनहोनी घटना से बचा सके। पिनार से अपने साथी बालकिशन, नीरज परियार, महेश परियार और अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। रोटरी क्लब आगरा बेस्ट ने कारगिल पेट्रोल पंप के पास गुरुजन सम्मान समारोह किया। इस कार्यक्रम में क्लब ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहे शिक्षकों का सम्मान किया। नेशन बिल्डर अवार्ड के रूप में आज आयोजित कर रहे हैं। इसमें समाज का निर्माण करने वाले जितने भी शिक्षक गण हैं उन सभी को रोटरी क्लब उनका इस्तकबाल करता है, अभिनंदन करता है और इसी श्रृंखला में आज हम लोग ये अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हम लोगों ने, जैसे चिकित्सा है, कला है, संगीत है, डिग्री कॉलेजेस हैं, परास्नातक हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, कुछ प्राइमरी टीचर भी हैं, कुछ जो कोचिंग्स दे रहे हैं, ऐसे टीचर्स को हम लोगों ने समाज में से उठाया है और उन लोगों को आज हम लोग यहाँ पे बुला के सम्मानित कर रहे हैं। रोटरी इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से समझता है और भली भांति इस बात को अपना पूरा सम्मान भी देता है कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के द्वारा ही होता है। ये अवार्ड का उद्देश्य है कि हम अपने देश के जो मेन पिलर्स हैं, हमारे टीचर्स जो यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें दिशा निर्देशन करते हैं कि वो क्या बने, अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको सम्मानित करने से उनका प्रोत्साहन होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ऊंचे पदों पर पहुंचकर ऊंचाइयां पाने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके कंधों पर चढ़कर हम यहां तक पहुंचे हैं, तो हम उन्हें यहां याद करके सम्मानित करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे और उन्हें प्रोत्साहन मिले आगे और बच्चों को मार्गदर्शन करने का। आज के प्रोग्राम के अगर उपलक्ष्य में पूछें तो रोटरी क्लब का हर साल ऐसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि जो नेशन बिल्डर्स जो कि जिनको हमारे जो टीचर्स हैं वो हम उनको नेशन बिल्डर्स मानते हैं। रोटरी क्लब सिर्फ टीचर ही नेशन बिल्डर्स है, टीचर्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है नेशन को बिल्ड करने में, क्योंकि वो नींव होते हैं जिसके ऊपर वो इमारतें खड़ी होती हैं जो कि हमारे देश को आगे ले जाती हैं। तो जितनी गहरी और अच्छी नींव खुदेगी उतनी ही लंबी इमारत हम उस पर बना पाएंगे। हनुमान नगर स्थित डॉक्टर अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर और नवजात शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि बच्चों के लिए डेंगू बुखार घातक हो सकता है। आजकल जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं बरसात के मौसम की वजह से डेंगू नाम की जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से हमारे शहर में फैल रही है। डेंगू बुखार जो होता है बेसिकली जो होता है एक वायरस बीमारी है, लेकिन जो बीमारी जो फैलती है वो एडीज मच्छरों के काटने से फैलती है और ये मच्छर जो है दिन में काटता है, तो बचाव बहुत ज़रूरी है। दिन में भी साफ पानी में ये मच्छर पनपता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये भी बुखार और बुखार की वायरस बुखार की तरह होता है, तीन तरह के ये लक्षण होते हैं इसमें।
एक तो होता है डेंगू फीवर, दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें जो डेंगू फीवर होता है, जो पहली स्टेज होती है, ये और जो वायरस फीवर होता है उसकी तरह होता है, जैसे कि तेज बुखार आना, आँखों के पीछे दर्द होना, पूरी बॉडी में दर्द होना, शरीर का टूटना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, जो नॉर्मली 5 से 7 दिन में ये बुखार चला जाता है और कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें डेंगू फीवर होगा। बांझपन का इलाज अब संभव है। बांझपन की बीमारी का इलाज अब आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा शर्मा कर रही हैं। IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि अधिक उम्र में शादी, अनियमित जीवन शैली, खानपान के बदलती आदतों, तंबाकू धूम्रपान से बांझपन की समस्या आम हो गई है। अत्याधुनिक तकनीकी से बेऔलाद सोनी गोद भी भर सकती है, बशर्ते समय रहते कमजोर शुक्राणु, अंडाशय में कमी और अन्य बीमारियों की समय से जाँच और इलाज कराना चाहिए। जो भी निसंतान रोगी हैं, दंपत्ति हैं, उनको संतान का सुख प्राप्त हो सके, उसी क्रम में हमने IVF सेंटर चालू किया है। हमने कोशिश की है कि IVF सेंटर में के जो भी मापदंड हैं, क्वालिटी की मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट बनाया जाए, जो कि करंट रेट्स पर, करंट उस पर हम क्वालिटी वर्क दे पाएँ और हमारे रिजल्ट्स जितने भी हैं, भ्रूण हैं, उनको जो भी मशीनों में ब्लास्टिंग है और कि हमने जो इक्विपमेंट खरीदे हैं उससे मरीजों का फायदा हो सके, यही। वी आर हैप्पी टू इनॉग्रेट अनाउंस दिस इनॉग्रेशन ऑफ आवर IVF सेंटर इन पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा। एज दिस प्रॉब्लम इज ग्रोइंग इन ए मिनेसिंग रेशो, स्पेशली इन मेट्रोपोलिटन सिटीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड अदर थिंग्स, एंड इन आगरा ऑल्सो दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग। That's why we have provided all full-fledged automated latest equipments here, which will be able to serve the country as such and a place in Agra in general. IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि आजकल महिलाओं में बांझपन की समस्या आम बात हो गई है। नियमित रूप से सुरक्षित संपर्क होने के बाद भी महिला का गर्भवती न होना बांझपन की समस्या को दर्शाता है। चिकित्सक के अनुसार अगर कोई कपल 1 साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक के संबंध बनाता है और उसके बावजूद भी महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है तो उसे बांझपन कहा जाता है। ये बांझपन फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने के कारण होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 30-40% तक जोड़े इस समस्या से जूझ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिचपुरी मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री सहदेव शर्मा उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिचपुरी मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष श्री हर्ष सिंह सोनी के नेतृत्व में अनुपम सिटी फेस 2 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सहदेव शर्मा और ग्रामीण विधानसभा संयोजक राम चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा टीम के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। श्री श्याम सेवक परिवार समिति द्वारा कोठी मीना बाजार मैदान में 21 सितंबर से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करने जा रही है। श्री श्याम सेवक परिवार समिति द्वारा कोठी मीना बाजार में 21 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रही है। इस धार्मिक आयोजन में व्यासपीठ जया किशोरी जी महाराज का श्रवण कराएंगी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं 21 से 27 सितंबर में कोठी मीना बाजार के ग्राउंड से। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलवाई है और कार्ड का विमोचन कर रहे हैं। आज ये भागवत पहले भी है, प्रथम बार हो रही है। ये जिबेबी जया जी प्रथम बार भागवत कर रही हैं आगरे में, पहले कभी नहीं हुई आगरे में। ये कलकत्ता की हैं। बस ये जन समाज के लिए, धन प्रचार के लिए ये भागवत हो रही है सभी पब्लिक के लिए। मेरा नाम है अरुण कुमार मित्तल। ये बेबी जया जी की भागवत हो रही है 21 से 27 सितंबर की। इसके अंदर करीबन हमने 3,500-4,000 आदमियों का बाटापुर पंडाल बनवाया है और इसके अलावा भी खुली जगह ही बहुत छोड़ी है पब्लिक के बैठने के लिए। और ये हम चाहते हैं कि सभी लोग, श्रद्धालु और भक्तगण जितने भी हैं, प्रेमी लोग, भागवान सब लोग आएँ और दर्शन का लाभ उठाएं, भागवत का लाभ उठाएं। ये प्रोग्राम चलेगा 21 से 27 तक भागवत चलेगी और 28 तारीख को भंडारा होगा, हवन और भंडारा होगा 28 तारीख। मेरा नाम है खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। हम लोग श्याम सेवक परिवार में भी
श्री खाटू श्याम मंदिर के सानिध्य में श्री भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं हम लोग 21 तारीख से 27 तारीख तक, जिसके अंदर रोजाना 2 बजे से लेकर 6 बजे तक भागवत होगी, जिसमें लगभग 10,000 लोगों का इंतजाम हम लोगों ने कराया टोटल मिला के, बैठने का प्रूफ और वाटर प्रूफ मिला के, जिसके अंदर 27 तारीख को चंडीगढ़ से हमारे ये क्या नाम है कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, और खाटू श्याम मंदिर के कोषाध्यक्ष जो हैं श्री श्याम सिंह जी चौहान, वो भी खाटू श्याम जी सीकर मंदिर से आ रहे हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा की मंगल कलश यात्रा 21 सितंबर को प्रताप नगर के बुर्जीवाला मंदिर से निकाली जाएगी। बुधवार को जीवनी मंडी खाटू श्याम मंदिर में आयोजन समिति ने भागवत कथा का पोस्टर विमोचन किया। आइए देखते हैं फटाफट खबरें। MG रोड पर लगे लाइट के खम्भों से बिजली के तार बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने प्रदेश जिला और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व सदस्यता शिविर का आयोजन किया। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद अब उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। तानगरी में राष्ट्र संत मुनिश्री 108 व्यासागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास इन दिनों चल रहा है। कमलानगर के संत भवन में मुनिश्री ने दश लक्षण व्रत पर्व में 9वें दिन धर्म सभा के माध्यम से उत्तम अकिंचन धर्म पर प्रवचन दिए। रोटरी क्लब आगरा वेस्ट ने कारगिल पेट्रोल पंप के पास गुर्जर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्लब ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहे शिक्षकों का सम्मान किया। राजस्थान के कोटा बैराज से पानी को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके चलते चंबल नदी में उफान आ गया है। धौलपुर के बाद आगरा में भी चंबल नदी रौद्र धूप में दिखाई दे रही है। प्रशासन के आला अधिकारी खुद गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। चंबल नदी में उफान आ गया है। चंबल नदी में उफान आने के चलते तटवर्ती इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। शहर में मंगलवार और बुधवार की रात को दशांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। इस कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को मौसम का मिजाज उमस भरा था, पेड़ों के नीचे भी लोग पसीना टपकाते नजर आ रहे। जैन मंदिरों के बाहर कुछ लोगों ने पंछियों को दाना डालने की भी व्यवस्था कर रखी है। दाना चुगने के लिए तमाम पक्षी वहाँ पर पहुँचते हैं। बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों की संख्या हो चुकी है, इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।